नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। झीलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर में कांग्रेस शुक्रवार यानी कि आज से अगले 1.5-2 साल में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी रणनीति को लेकर मंथन करेगी। इसके मद्देनजर कांग्रेस के लगभग 430 नेता और पदाधिकारी देश भर से उदयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर के 5 सितारा होटल ताज अरावली में कांग्रेस का अगले 3 दिन 15 मई तक नव संकल्प शिविर चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए जहां कांग्रेस के पूर्व राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन से चलकर उदयपुर पहुंचे, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्पेशल हवाई जहाज से शुक्रवार को पहुंच रही हैं। राहुल के साथ लगभग 40 से 50 नेता भी रेल में सफर करते नजर आए। चिंतन शिविर के कार्यक्रम को मुस्तैद बनाने के लिए प्रभारी अजमाकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पहले ही उदयपुर में डेरा डाल चुके थे। वहीं गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। शिविर में भाग लेने के लिए एआईसीसी के पदाधिकारी, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, प्रदेश इकाइयों के अहम पदाधिकारी, विधायक, सांसद, कांग्रेस के फ्रंटल विभागों के प्रमुख और प्रदेश से आए अहम पदाधिकारी शामिल हैं। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का कहना था कि आज जब देश प्रजातांत्रिक, आर्थिक और सामाजिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, तो भारत की आजादी के संकल्पों की कोख से जन्मी कांग्रेस एक बार फिर देश को प्रगति, समृद्धि और उन्नति के पथ पर लाने के लिए एक दृढ़ नव संकल्प ले रही है। उनका कहना था कि उदयपुर से उम्मीदों का सूरज उदय होगा। आज देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले में, एक डॉलर के मुकाबले में रुपया 70 रुपया 56 पैसे हो गया, जो 75 साल में सबसे अधिक है। महंगाई ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। खेती और खेत मजदूर आज अपनी उपज की लागत के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। आज बेरोजगारी 8% पर है। आज दलित और आदिवासी और पिछड़ों के अधिकार छीने जा रहे हैं, पर इनकी बात कोई नहीं कर रहा। बात हो रही है क्या? बुलडोजर, लाउडस्पीकर, गर्मी निकालना, हिंदू बनाम मुसलमान, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गुरुद्वारा बनाम गिरिजाघर, कपड़ा कैसा पहनेंगे, खाएंगे क्या। पूरे देश की राजनीति तरक्की और विकास से हटकर अब केवल इन मुद्दों पर भाजपा ने केंद्रित कर दी। इसीलिए कांग्रेस आत्म मंथन, आत्म चिंतन, आत्म अवलोकन करेगी और एक नई दिशा और एक नई दशा ना केवल हमारे संगठन के लिए परंतु पूरे देश के लिए इस चिंतन शिविर से हम निकाल कर लाएंगे, मंथन कर, ऐसा हमें विश्वास है। झीलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर में कांग्रेस शुक्रवार यानी कि आज से अगले 1.5-2 साल में होने वाले विधानसभा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी आगामी रणनीति को लेकर मंथन करेगी। इसके मद्देनजर कांग्रेस के लगभग 430 नेता और पदाधिकारी देश भर से उदयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर के 5 सितारा होटल ताज अरावली में कांग्रेस का अगले 3 दिन तक यानी कि 15 मई तक नव संकल्प चिंतन शिविर चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन से चलकर उदयपुर पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्पेशल हवाई जहाज से आज पहुंच रही हैं। राहुल के साथ लगभग 40 से 50 नेता भी रेल में ही सफर करते नजर आए। चिंतन शिविर के कार्यक्रम को मुस्तैद बनाने के लिए पहले ही कई बड़े नेता उदयपुर में डेरा डाल चुके हैं। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सर्वेश्वर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सीधा सा सवाल है सर, उदयपुर से उम्मीदों का सूरज उदय होगा ऐसा कांग्रेस का मानना है, आपको क्या लग रहा है इस चिंतन शिविर से क्या कुछ बड़े बदलाव हो जाएंगे कांग्रेस में? प्रश्न किया पल्लवी मेरे से? सर्वेश्वर जी से मेरा ये सवाल है। आवाज पहुंच रही है सर्वेश्वर जी आप तक? जी पल्लवी जी, आप जी। मेरा सवाल ये है सर्वेश्वर जी, उदयपुर से उम्मीदों का सूरज उदय होगा, कांग्रेस को ऐसी उम्मीदें हैं, आपको लग रहा है कि अपनी उम्मीदों पर खुद ही कांग्रेस खरा उतर पाएगी? सबसे पहले पल्लवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट में शामिल करने के लिए। जी आपने सही कहा कि उदयपुर से क्या कांग्रेस का नया सूरज उदय होगा, यह संभावना छीन दिखाई देती है, क्योंकि कांग्रेस का जो आज जो हाल है
जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है, कहीं ना कहीं इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, आप सोच समझ सकते हैं, एक अंग्रेज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसने भाग लिया, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने, और उसके बाद से जो पॉलिसी जो नीतियां कांग्रेस ने अपनाई वो कहीं ना कहीं उनको आज के इस वो जिम्मेदार है, वो अपनी नीतियों के कारण जो जो नीतियां उन्होंने पास्ट में अपनाई, भारत पे इतने वर्षों तक शासन किया, उस नीतियों में कहीं ना कहीं तो खामियां थी जिसके कारण ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो बरसों छोड़िए दशकों तक भारत पे राज्य किया, आज लोकसभा में देखिए सिमट के 50 से 55 सीट पे रह गई। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो वहां दो राज्यों में उनके शासन है। तो ये जो चिंतन शिविर है, सही मायने में अगर देखा जाए तो चिंतन करना अति आवश्यक है कांग्रेस के लिए जी। उसके अस्तित्व को बचाने के लिए, इसको चिंतन शिविर छोड़ के अस्तित्व बचाने की शिविर कहना चाहिए। ये अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, परसों से मांग उठ रही है सिंस नेतृत्व की कि उसमें अमूल चुक परिवर्तन हो, लेकिन अभी भी वो अगस्त तक के लिए टाला गया है कि अगस्त में उसका डिसीजन होगा, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस चिंतन शिविर में राहुल गांधी जी से फिर आग्रह किया जाएगा कि आप कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालिए। मतलब वही बड़ी पार्टी मिलेगी। 1998 में सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष पद लिया और आज तक वही विराजमान है। बीच में बेटा ने लिया, फिर बेटा से मां ने, मां से बेटा ने। तो इस चिंतन शिविर का मूल जो है वो होना चाहिए कि कांग्रेस के अस्तित्व को कैसे बचाए। बिल्कुल। अगर शीर्ष नेतृत्व के बाकी के नेता कुछ कह रहे हैं तो उसपे गहन विचार विमर्श हो, न कि परिवार की पार्टी बनके कांग्रेस जो अभी है रह जाए। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी, ये पूरी संभावनाएं हैं सर कि राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर इस शिविर के दरमियान मांग उठेगी ही। अब सवाल यह है कि G23 के नेता जो ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बने, उन नेताओं ने पहले मेहनत की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जब कांग्रेस की जड़ें कमजोर हो रही हैं, उन्हें सड़कों पर उतरने की जरूरत थी, तो इनमें से एक भी नेता सामने नजर नहीं आता, सड़कों पर नजर नहीं आता, तो किस हक से ये बोल रहे हैं कि गांधी परिवार से अलग हो, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कितनी मेहनत की थी ये सबने देखा, जबकि यही G23 के नेता उस समय नजर नहीं आए अलग अलग राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे, तो किस हक से इनकी बातों को मान लिया जाए। देखिए, जहां तक G23 का प्रश्न है पल्लवी, जब भी कोई पार्टी कमजोर होती है, विघटन होता है, विरोध के स्वर निकल कर आते हैं, तो कांग्रेस में कुछ अजूबा नहीं हो रहा है। जो सत्ता के लालची लोग थे, जो बिना सत्ता के रह नहीं सकते, और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो यही लोग अहम पदों पर थे, और मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं कहूंगा कि भी काफी धन अर्जित किया, लेकिन आज पार्टी संकट के दौर में है, कोई अपनी जेब से चवन्नी खर्च करने को तैयार नहीं है, न पसीना बहाने को तैयार है। और देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, आज जिस हालात में है, तो इस कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण से निकलना होगा। जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आचरण अब तक रहा कांग्रेस का, ये नहीं है, एंथोनी की रिपोर्ट थी, इनकी इंटरनल रिपोर्ट ने भी कहा था कि भी हिंदुत्व को साधना होगा, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना होगा, लेकिन कांग्रेस न ऐसा कुछ कर पाई, न इस तरह का कोई संकेत जनता के बीच में दे पाई। और देखिए, चिंतन चलता रहना चाहिए, आत्ममंथन करता रहना चाहिए, एक निरंतर प्रक्रिया है, हार की समीक्षा होनी चाहिए, और चिंतन और मनन से ही कोई ना कोई रास्ता निकलता है। लेकिन सबसे अहम फैक्टर है कनेक्ट जी, जनता से कनेक्ट किस तरीके से।
आज कांग्रेस का कोई भी नेता जनता से कनेक्ट नहीं कर पाता है, जनता को जनता की भाषा में समझा नहीं पाता है, अपनी बात रख नहीं पाता है। ऊपर से सोने पर सुहागा हुआ कि जब राजीव जब इस्तीफा दिया जी जी आपने देखा होगा, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, जबकि राहुल गांधी को इस्तीफा देने से पहले कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी, उसके बाद राहुल गांधी इस्तीफा देते तो कम से कम सुचारू रूप से पार्टी चलती रहती, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, और उन्होंने कहा भी अध्यक्ष वगैरह हम छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, आगे कौन कार्यभार संभालेगा, क्या करेगा, पार्टी असमंजस की स्थिति में कल भी थी और आज भी है कि कौन अध्यक्ष होगा, नए लोग आएंगे, इनको जिम्मेदारियां मिलेंगी, या पुराने जो तजुर्बेकार लोग बैठे हैं वो रास्ता रोक कर खड़े हो जाएंगे और नए लोगों को नहीं आने देंगे। तो बहुत अंतर द्वंद्व कांग्रेस के अंदर है, जब तक इसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, युवाओं को आप जिम्मेदारियां नहीं देंगे, तब तक जनता के बीच में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और तौर पल्लवी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राष्ट्रीय दल है लेकिन कार्यकर्ताओं को होमवर्क नहीं दे पाता, डेली टास्क नहीं दे पाता जी जी, कि आज ये करना है, कल ये करना है, ये 15 दिन का हमारा आउटलाइन होगी, रूपरेखा होगी और इस तरीके से हम सरकार को घेरेंगे। तो जनता देखिए जो दिखता है वो बिकता है। सांकेतिक रूप से किसी भी चीज का विरोध कर देना ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, उससे काम नहीं चलेगा, जनता के बीच में जाना होगा और जनता की समस्याएं हैं उनके साथ खड़ा होना होगा और उनका निराकरण करना होगा। मैं मानता हूं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में मेहनत की और पहल की, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आ पाए क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाए। उन्होंने मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन बाकी टीम कहां थी? जैसा आपने कहा कि G23 के नेता चाहते हैं कि भी इनको हटा दो, ठीक है हटा दो, लेकिन आप भी तो कुछ करिए, एक आध स्टेट की जिम्मेदारी लेते। G23 के नेता एक स्टेट को चुनते और बोलते कि यहाँ गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा और हम स्टेट को जिता कर दिखाएंगे, तो पार्टी भी विश्वास करती और जनता भी विश्वास करती और वहां एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार भी बनती। सिर्फ जवानी जवान खर्च से काम नहीं चलने वाला है, आज जमीनी हकीकत को स्वीकार करना होगा और उसके अकॉर्डिंग बदलाव करने होंगे। जो नए नेता हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी में असमंजस की स्थिति है, तो जो नेता जुड़े हुए हैं उनको कनेक्ट करके रखना, वो छोड़ के न जाए, ये व्यवस्था कौन करेगा? ये जनता नहीं करेगी, पार्टी हाईकमान को करना होगा, उनकी जो ग्रीवेंस है वो सुनने होंगे। एक ही आरोप लगता है, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भाई हम मुलाकात नहीं हो पाती है बहुत लंबा समय, तो मुझे लगता है कि एक चौकड़ी ने घेर कर रख लिया है जो किसी दूसरे को एंट्री नहीं होने देती, नहीं मिलने देती, और उससे नेताओं में भी असंतोष होता है और जनता में भी एक गलत संदेश जाता है। मैं समझता हूँ कि इस समय सबको मिलकर मेहनत करने की जरूरत है, जनता के बीच में जाने की जरूरत, मुद्दे बहुत हैं, मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन उन मुद्दों को सही ढंग से उठा नहीं पा रहे हैं। वाकई में देश में मुद्दे बहुत हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है, जैसा कि आप कह रहे थे आरबी उपाध्याय जी, वही बात साफ होती हुई दिखाई दे रही है। सर्वेश्वर जी, अभी एक बात कही आरबी उपाध्याय जी ने कि युवाओं को आगे लाने की जरूरत है, क्या यही रीजन है कि राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए इतने उतावले बैठे हुए हैं कांग्रेसी नेता कि आप युवाओं को आगे लाएं? लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को आता है कि इस चिंतन शिविर से सचिन पायलट जैसे सरीखे नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं और हटा दिए जाते हैं, ये दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड कैसे चले, बताइए आप। वही देखिए मुस्कान जी की क्या विडंबना है, पल्लवी बात कर रहे हैं पायलट जी, पल्लवी जी क्या विडंबना है ये देखिए। चिंतन शिविर का आयोजन झीलों की नगरी उदयपुर में हो रहा है, राजस्थान में सचिन पायलट जी डिप्टी सीएम है और उन्होंने खुद ही कल वहां की जो भी व्यवस्था है अशोक गहलोत जी
में ये जो घटना हो रही है तो ये घटना कहीं से भी स्वागत करने लायक नहीं है, आप समझ सकती हैं। अगर ऐसी घटना हो तो फिर मनोबल क्या होगा पार्टी के सचिन पायलट जैसे नेता का, कि आखिर कौन ऐसे उपद्रवी तत्व है जो सचिन पायलट जी का पोस्टर फाड़ रहे हैं और जो कि वो सचिन पायलट अपना पूरा टाइम दे रहे हैं वहां पे इस चिंतन शिविर को सफल बनाने में, उसका आयोजन सफल करने में, क्योंकि उनके गृह राज्य में हो रहा है और उस गृह राज्य के वो डिप्टी सीएम है जी। सही बात आपने कहा, युवाओं को राहुल गांधी की उम्र देखिए कितनी हो चुकी है और बाकी के जो G23 नेता है उनकी उम्र देखिए। मैं एक बीजेपी का देता हूं कि जब ये मोदी जी आए तो उन्होंने 75 साल से ऊपर के नेताओं को मतलब कहा कि ये मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे और ये कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम होना चाहिए कि वो इतने वर्षों तक अपने पार्टी को योगदान दिए, अब उनका जो एक्सपीरियंस है उसको यूज किया जाए, युवाओं को लाया जाए और युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाए उनके मार्गदर्शन में। ये G23 एक भी पार्टी पोस्ट नहीं छोड़ना चाहते, केवल इनके मन में है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी से वो अध्यक्ष पद हट जाए तो कांग्रेस का सुधर जाएगा, ये कभी नहीं होगा। सही बात आपने युवाओं की देखिए कितने युवा चेहरे, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवरा उधर महाराष्ट्र में वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आरपीएन सिंह यूपी में, ये सब जो चेहरे थे राहुल गांधी के साथ मिलके काम किए थे और ये युवा ब्रिगेड का चेहरा था, लेकिन राहुल गांधी जी वो ही जो कंचे कहते हैं ना दरबारी के माहौल में लिपट के कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का बना दिया, अशोक गहलोत का राजस्थान का बना दिया, और यही आज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान दी गई होती मध्य प्रदेश का उस समय और सचिन पायलट को राजस्थान का, तो जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन कांग्रेस में होता और आज जो ये हाल है जो कार्यकर्ता अभी देखिए इन्होंने नवंबर 1, 2021 को डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव किया था जी जी, और इसमें तीन बड़े नेता अपने को इससे जोड़े थे और इसमें युवाओं को लाने की अपील हुई थी और युवा बहुत जुड़े, करीब 2.6 करोड़ लोग इस डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव से कांग्रेस पार्टी से जुड़े, जिनमें राहुल गांधी ने भी अपने आप को रजिस्टर किया, माननीय सोनिया गांधी जी ने भी रजिस्टर किया और पूर्व प्रधानमंत्री भारत के मनमोहन सिंह जी उन्होंने भी रजिस्टर किया और एक संदेश देने की कोशिश की यंग ब्रिगेड को, मतलब इसमें जो शामिल हुए हर तबके के लोग, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो या यंग हो, लेकिन फोकस यंग पे था। तो जो आपके यहाँ यंग लीडर थे, जो आपकी एक कहते हैं युवा शक्ति थी, उसको आपने छीन कर दिया, उसको दरकिनार कर दिया और वही पुराने बूढ़ी घोड़ी जो कहते हैं ना बूढ़े घोड़े पे आप दाव खेलते रहे। कहीं कहीं बूढ़ा घोड़ा भी अच्छा था, पंजाब में अमरिंदर सिंह ठीक ठाक थे लेकिन वो गांधी परिवार की एक नहीं सुनते थे, तो उनकी सरकार को किस तरह अपदस्थ करके कांग्रेस ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं कहते ना आरा मशीन चला देना वही चला लिया, नहीं तो जो पंजाब में जो समस्या थी ड्रग्स की समस्या, बीजेपी अकाली वहां पे राज कर रहे थे उसको अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही बाहर कर दिया गया था और इस 5 सालों में कहां से कहां कांग्रेस का हाल हो गया, अपनी ही पार्टी को गर्त में ले जाने का काम करते हैं सर्वेश्वर जी। और अब यही देखना है ये जो चिंतन शिविर है ये सिर्फ पिकनिक स्पॉट बनकर ना रह जाए, क्योंकि चिंतन शिविर का मतलब क्या है, आप किस उद्देश्य से ये शिविर आयोजित कर रहे हैं ये भी तो क्लियर होना चाहिए। चर्चा हम जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, रणदीप सुरजेवाला तो कह रहे हैं कि अभी देश में जिस तरह का माहौल है इस माहौल पर हम चर्चा करने के लिए चिंतन शिविर आयोजित कर रहे हैं, हम रणनीति बनाएंगे कि बीजेपी को कैसे घेरें, अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि जरूरी क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी पार्टी को कैसे एकजुट करें। हर राज्य में स्थिति खराब है, हर राज्य में टूट फूट है, एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां दो अलग अलग गुट ना बने हों। दिक्कत क्या है,
सचिन पायलट ने मेहनत की पूरी और जब अच्छे परिणाम आ गए, अशोक गहलोत सीएम बन गए। क्यों? वरिष्ठ से वरिष्ठता के लिए जिस आदमी ने मेहनत की उसको दरकिनार कर दिया गया। तो जो पुराने लीडर है वो नहीं चाहते कि नई लीडरशिप उभर कर सामने आए, जो पुरानी लीडरशिप को चुनौती दे पाए। वो कहीं ना कहीं इस तरह आपको उत्साहित और निरुत्साहित करते हैं कि फिर चाहे सिंधिया हो या दूसरे जितने प्रसाद हो, छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं पार्टी। इसी तरह मध्य प्रदेश में जैसा पाठक जी ने भी कहा, देखिए वहाँ ज्योतिराज सिंधिया ने रात दिन मेहनत की, लोगों के साथ कनेक्ट किया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन जब सीएम की बात आई तो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या खूबी थी कमलनाथ में? एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है और मेहनत करके इस उम्मीद के साथ मेहनत कर रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मैं मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार हूँ। आप उसको दरकिनार कर देते हैं, एक अलग सा मैसेज जाता है कि भी कितना भी पति नभा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन जो बुढ़े नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब मुख्यमंत्री की बात आएगी या किसी पद की बात आएगी तो पद तो उन्हीं को मिलेगा, सम्मान उन्हीं को मिलेगा, मेहनत भले ही आप कितनी भी करें। ये दो उदाहरण है राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों जगह सचिन ने भी मेहनत की थी और वहां सिंधिया ने भी। उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद एक अच्छा खासा चेहरा ब्राह्मणों के थे और उनका अपना एक संगठन भी था और एक मजबूत नेता के रूप में जा रहे थे, लेकिन आप उन्हें साथ के नहीं रख पाए। नेता क्या मांगता है? तो आप सत्ता में तो है नहीं, तो कम से कम संवाद तो कायम रखें, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। और मैं जो देख रहा हूँ, जो नेता आरोप लगाते हैं कि वो एक नेक्सस क्रिएट हो गया है, जो आसपास के एक घेरा बन गया है उनके चाशकारों का, वो उन्हें घेर के रखते हैं और किसी भी दूसरे नेता को मिलने के लिए टाइम नहीं देते। जब आप टाइम नहीं देंगे उसके सुनेंगे नहीं तो किस तरह वो काम करेगा? जबकि इस समय तो आपको हर समय अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए और हर नेता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए जिससे वो उत्साह के साथ काम कर सके। मांग क्या रहा था वो नेता आपसे? आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पसीना बहा रहा था, मेहनत कर रहा था। आप दो शब्द प्यार से भी नहीं बोल सकते? वही उलट बीजेपी को देखिए, बीजेपी में आप देखेंगे कि अमित शाह जी भी घर घर पंपलेट बांट रहे होते हैं जमीनी कार्यकर्ता के साथ मिलकर। एक मैसेज जाता है, कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता है, वो देखता है कि हमारे गृह मंत्री पार्टी के सीनियर लीडर मेरे साथ पर्चा बांटा, चार जगह जाके देखता है और दुगने उत्साह के साथ काम करता है। ये होती है कनेक्ट करने वाली बात। तो कांग्रेस न कार्यकर्ता के साथ कनेक्ट कर पा रही है और न जनता के साथ कनेक्ट कर पा रही है। और जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएगी, करेक्ट और कनेक्ट दो वर्ड है, अपने आप को करेक्ट करना होगा और पल्लवी कनेक्ट करना होगा। दोनों ही मोर्चों पर आप विफल हैं, ना कनेक्ट कर पा रहे हैं ना अपने आप को करेक्ट कर पा रहे। चिंतन शिविर से मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस अपने आप को करेक्ट करेगी और कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाएगी। और जो एक दूरी बन गई है गांधी परिवार से, हर नेता मिलना पसंद करता है और मिलकर अपने आप को धन्य महसूस करता है, कांग्रेस का छोटे से लेकर बड़ा वर्ग। ऐसे में गांधी परिवार की ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता की तरह प्रस्तुत करे और कोई भी आता है उसे मिलने का समय दे और अपने आसपास जो एक नेक्सस की क्रिएट हो गया है, जो लोग की सारी व्यवस्थाओं को मिलने मिलाने की देखते हैं, उन लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि भी कोई भी व्यक्ति अगर मुझे मिलने के लिए आता है जी। आप उसको हताश और निराश नहीं करेंगे। और देखिए जो लोग नाराज हुए सब बीजेपी के पास। आज आसाम में एक उदाहरण है, देखेंगे वहां जो मुख्यमंत्री है वो किसके थे, वो आपके थे लेकिन आप संभाल के नहीं रख पाए, उनकी सुन ही नहीं पाए, उनसे मिल नहीं, आप कुछ देते न देते आप उनसे मिल नहीं पाए, मिलने का समय नहीं दे पाए।
ये बहुत बड़ी विडंबना, हफ्तों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं इस कोशिश में कि मैं मिल पाऊं। तो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ज्यादा हताश और निराश हो जाता है, वो ज्यादा फिर कोशिश नहीं करता है। तो किसी को राजनीति करनी है, जनता के लिए काम करना है, तो आपके साथ नहीं करेगा, बी के साथ कर लेगा। काम ही तो करना है, आप क्या दे रहे हैं उसको? वो कुछ लेने नहीं आता, वो सिर्फ ये आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य, आपका सहयोग, जिससे वो आगे और बढ़कर उत्साह के साथ काम करता। वो कहीं ना कहीं सुधार लाने पड़ेंगे, और अच्छा किया है राहुल गांधी ट्रेन से गए हैं और अपने साथ 40-50 लीडर्स को और लेकर ट्रेन से गए हैं। ऐसे ही जाना होगा, ऐसे ही जनता से कनेक्ट करना होगा। जो 40-50 लीडर आपके साथ गए हैं, एक तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, दूसरा जगह जगह ट्रेन रुकती है, ट्रेन में बहुत सारे यात्री आते हैं उतर जाते हैं, तो वो भी एक कनेक्ट करने का एक अच्छा माध्यम है ट्रेन। ये ट्रेन से आना जाना तो ठीक है आरबी उपाध्याय जी, बात वही है जो कि आप अभी बोल भी रहे थे, असम के मुख्यमंत्री का उदाहरण भी आपने दिया था। सर्वेश्वर जी, वैसे तो समय की कमी है, पर मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप अपनी बात रख लीजिए दो लाइन में। देखिए, दो शब्द है, चिंतन और अस्तित्व। कांग्रेस को चिंतन की बजाय अस्तित्व बचाने के लिए इस शिविर में ध्यान देना होगा। और दूसरी बात, ट्रेन से जाने पे कोई जनरल पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, वो एसी फर्स्ट में यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस को चिंतन शिविर में अस्तित्व कैसे बचाए, ग्रैंड ओल्ड पार्टी का, उस पर ध्यान देना होगा। और जो अपने पार्टी में बचे युवा नेता है उसको सुनना पड़ेगा, तभी कांग्रेस का कुछ होगा। गुड्डे को निकाल बाहर करिए, मार्गदर्शक मंडल में डालिए, पार्टी से मोह त्याग करिए, दे दीजिए किसी दूसरे को पद। देखिए, पार्टी नहीं होती है तो फिर वापस ले लीजिए अध्यक्ष पद खुद। वही लोग G23 बना देंगे, G53 बना देंगे, जब उनको आप अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो एक नया बना देंगे। उपाध्याय जी, शरद पवार गए, TMC गई, फिर भी कांग्रेस यूपीए में आई थी कि नहीं आई। नई सोच को तो आगे लाना ही पड़ेगा ना सर, नई पीढ़ी को तो आगे लाना ही पड़ेगा, वही वाली बातें जुड़ियों को टूटना पड़ेगा, तब जाकर स्थिति ठीक हो पाएगी देश में कांग्रेस पार्टी की। चलिए सर्वेश्वर जी, माफी चाहूंगी सर, समय की कमी है। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आज से उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। अब देखने वाली तो बात यही रहेगी कि इस चिंतन शिविर में कांग्रेस किस बात पर मंथन करती है, और क्या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा कदम उठा पाती है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।